यीशु मसीह के नाम से आपका भक्ति वचन के आज के संस्करण में स्वागत है। हम रोमियो 13 का अध्ययन कर रहे हैं, पर आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। कल हमने रोमियो 13 की 8 आयात देखी थी, जहां लिखा था कि किसी बात में किसी के ऋणी न बने। अगर इस वाक्यांश को ऐसे ही पढ़ते हैं तो लगता है कि यह रुपए पैसे के बारे में है। कर्ज अधिकतर रुपए पैसों के बारे में ही होता है, क्योंकि ऋण के बारे में है। पर मैंने आपसे कहा था कि यह रिश्ते के बारे में है। तो आज हम सीखेंगे कि बाइबल अध्ययन के कुछ नियमों के बारे में, कुछ सिद्धांतों के बारे में, जिससे हम बाइबल में दिए परमेश्वर के वचन का गलत मतलब न निकाल लें। यह एक आयत हमें दिखाती है कि कितना जरूरी है परमेश्वर के वचन को बुद्धि और सावधानी से संभालना। सच्चाई तो यह है कि हम बाइबल की आयतों को बड़ी आसानी से तोड़ के मरोड़ कर वो कहला सकते हैं जो हम चाहते हैं। मुझे अचंभा होता है कि कैसे कई लोग वचन को तोड़ मरोड़ कर उसका कुछ भी मतलब निकाल कर गलत शिक्षा देते हैं, जिसे आपके जीवन यापन पर गलत असर पड़ता है, लोगों के जीवन यापन पर गलत असर पड़ता है, उनके विश्वास पर गलत असर पड़ता है। इसलिए बाइबल को समझने के, उसकी सही व्याख्या करने के सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है। वे आपको बाइबल गलत समझने से बचाती है। अगर इन सिद्धांतों की समझ आपको है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जब कोई बाइबल के वचन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर आपको गलत सिखा रहा है। वैसे तो कई सिद्धांत हैं, करीब 7-8, पर आज हम 4 को देखें, 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, और देखेंगे एक सिद्धांत जिसका उल्लंघन लोग बहुत अधिक करते हैं, खास तौर से रोमियो 13:8 जैसी आयतों के साथ। यह वाक्यांश की किसी बात में किसी के ऋणी न बने, जिसका जो बकाया है वो उसे दें, यह जो सबसे अधिक उल्लंघन किए जाने वाला सिद्धांत है, इसके बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। मैं इसके बारे में सबसे अंत में आऊंगा, बाकी 3 के ऊपर पहले चर्चा करूंगा। बाइबल के अध्ययन के जो भी सिद्धांतों के बारे में मैं आज बोलने वाला हूं, यह दूसरे तिमोथियुस 2:15 को लेकर है, जहां लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। कैसे आप सत्य के वचन को, परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाते हो? जब पहले आप उसे सही से समझते हो, और उसके लिए मैं आपको 4 नियम, 4 सिद्धांत बताने वाला हूं। तो आज का पहला नियम है, आप पुराने नियम को हमेशा नए नियम की रोशनी में समझते हो। देखिए, नए नियम में हमें अधिक रोशनी दिखाई पड़ती है। नए नियम में परमेश्वर ने खुद को और खुद की योजना को और स्पष्ट रूप से प्रकट किया है, और नए नियम की इसी रोशनी के इस्तेमाल से आप पुराने नियम को समझते हो। आप इसे ऐसे देख सकते हो जैसे एक पुराना नियम एक बहुत बड़ा सा कमरा है, और उस कमरे के अंदर खजाना है, हीरे जवाहरात, और वहां पर रोशनी ना बहुत हल्की है, बहुत धीमी रोशनी है वहां, और नया नियम उस कमरे में रोशनी लेकर आता है, और आप खजाने की सुंदरता को बेहतर तरह से देख पाते हो। अब मान लीजिए आप पुराने नियम में बलि, वो जो बलि दी जाती थी, उसके बारे में पढ़ते हो, आप सोचने लगोगे कि परमेश्वर क्यों इतने भेड़ बकरी जानवरों को मारना चाहते थे, इतना खून खून खून, परमेश्वर खून क्यों इतना पसंद है? पर जब आप नए नियम में यीशु के बलिदान को, उसका लहू जो हमारी क्षमा के लिए बहाया गया, उसे देखते हो, तो बत्ती जल जाती है। जैसे ही आप इब्रानी 10 में आप पढ़ते हो कि यीशु के बलिदान से सारी बलि की जरूरतें पूरी हो गई, तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने पुराने नियम में वह क्यों किया। वह आगे एक दिन यीशु के क्रूस को देख रहा था। वैसे ही 10 आज्ञा क्यों दी, जिसे प्रेम के द्वारा वो सारी आज्ञाएं पूरी हो, जो पौलुस रोमियो 13:9-10 में कहता है। सुनिए, उदाहरणार्थ, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो, इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्रेम करता है वह व्यवस्था को परिपूर्ण करता है। आप बिना नए नियम में प्रेम की रोशनी के बिना आप पुराने नियम में दी आज्ञा को ना तो समझ सकते हैं, ना आप उसका पालन कर सकते। तो पहला नियम, पुराने नियम को आप हमेशा नए नियम की रोशनी में देखते हैं। दूसरा नियम है कि आप कठिन आयतों को
आसानी से समझने वाली अंशों की रोशनी में समझते। अब लोग हर समय इस नियम की ऐसी तैसी कर देते हैं, वो बाइबल के आयात देखते हैं जिसे समझ नहीं पाते, और फिर वे कैसे भी दिमाग लगा के कुछ भी उसकी व्याख्या कर देते, कुछ भी व्याख्या, और फिर वे बाइबल की हर दूसरी आयात को या फिर सैकड़ों आयातों को अपनी इस अनूठी व्याख्या के साथ फिट करने की कोशिश करते, पर होता नहीं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, पहले कुरिन्थियों 15:29 में लिखा है, यदि मृतकों का पुनरुत्थान बिल्कुल नहीं होता तो वे मृतकों के लिए बपतिस्मा क्यों ले। अब हमें नहीं पता कि पौलुस का यह मृतकों के लिए बपतिस्मा लेने से क्या मतलब था। अधिकतर विद्वानों का मानना है कि उस समय जो कुछ लोग थे उनके बीच ऐसी कुछ परंपरा रही होगी। पौलुस उन लोगों का उल्लेख मात्र कर रहा है, वह यह करने के लिए नहीं कह रहा कि ऐसा करो। सच्चाई यह है कि कई गुट, कल्ट बोलते हैं उसको, मिथ्या प्रचारक इसी आयात को लेकर कहेंगे, देखो बाइबल उनकी शिक्षा का समर्थन करती है क्योंकि वो कुछ कर रहे हैं, उनकी कुछ परंपरा है, उसके समर्थन को दिखाने के लिए क्या करते हैं, वो बाइबल के किसी भी अंश को तोड़ मरोड़ के बिना समझे उसका उपयोग कर लाते हैं। वे ऐसा कह सकते हैं कि इस आयात को मतलब है कि आपको अपने मृत प्रियजनों और रिश्तेदारों के स्वर्ग में स्थान आरक्षित करने हेतु बपतिस्मा लेना चाहिए। पर ऐसा कहकर वे बहुत सारी बड़ी आसानी से समझने वाली आयातें हैं बपतिस्मा के बारे में, उद्धार के बारे में, उसको दरकिनार कर देते हैं। देखिए बाइबल स्पष्ट बताती है कि उद्धार का, बपतिस्मे का इंसान का निर्णय का व्यक्तिगत निर्णय होता है, कोई आपके लिए यह निर्णय नहीं ले सकता। बहुत सारे स्पष्ट आयातें हैं जो बताती हैं कि अपने जीवन को यीशु को देने के बाद अपनी प्रतिबद्धता के चिन्ह के रूप में बपतिस्मा लेना एक व्यक्तिगत निर्णय है। आप बपतिस्मा से जुड़ी हुई स्पष्ट आयातों की रोशनी में इस कम समझने वाली आयात की व्याख्या करते हो, इसका उल्टा नहीं। हमारा अहंकार हमेशा चाहता है कि हम बाइबल में कुछ नया खोज लें जो आज से पहले कभी किसी ने देखा नहीं, किसी को समझा नहीं आया। अरे 2000 सालों से लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, अगर आप सोचते हो कि आप ही हैं जिसको कोई नया ज्ञान मिला है तो आप गलत हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई विशेष प्रकाशन मिल गया जो 2000 साल में और किसी को नहीं मिला तो आप जाहिर तौर से गलत हैं। तो जानिए आप पहले आसान और सरलता से समझने वाले अंशों को समझते हैं, उसमें जो ताकत है, जो सच्चाई है, उसको आत्मसात करते हैं और फिर उसी की रोशनी में मुश्किल आयातों को समझते हैं। तीसरा बहुत ही आवश्यक सिद्धांत है, बहुत ही ज्यादा, आप बाइबल में किसी भी आयात को या किसी भी शब्द को उसके प्रसंग में देखते हैं, उसके प्रसंग में समझने की कोशिश करते हैं। बिना प्रसंग के आप किसी भी बात को कुछ भी मतलब निकाल दे सकते हैं उसको। उदाहरण के तौर पर लूका 12:19 में लिखा है, और अपने प्राण से कहूंगा, ओ मेरे प्राण, तेरे पास बरसों के लिए बहुत सी संपत्ति रखी है, इसलिए विश्राम कर, खा पी और मौज उड़ा। तो इसका अर्थ क्या है कि आयात हमें मस्ती करने के लिए, सिर्फ पार्टी करने के लिए कहती है, देखकर तो यही लगता है ना। पर जब आप इसे इसके प्रसंग में पढ़ते हैं तो यहां यीशु एक मूर्ख व्यक्ति का दृष्टांत दे रहा है जो सोचता है कि वह धन संपत्ति संचय कर ले बहुत सारी, उसके बाद मौज मस्ती करेगा, पर एक दिन वह अचानक से मर जाएगा, फिर उसकी संपत्ति का क्या होगा। यह दृष्टांत एक चेतावनी है इस बात की कि इस धरती पर धन संपत्ति संचय करने का कोई फायदा नहीं। तो हमें उसके लिए आज जीना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें आज दिया है। तो जब भी आप बाइबल का अध्ययन करें और कोई भी आयात या कोई भी शब्द या वाक्यांश समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको उसके संदर्भ में जाके करें, उसके प्रसंग में करें। जब भी कोई अपनी शिक्षा को साबित करने के लिए किसी भी बाइबल के आयात का इस्तेमाल करता है, कोई भी प्रचार, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं, आप जाइए बाइबल में उस आयात को उसके प्रसंग में देखिए जरूर से। अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, जो इस वाक्यांश को समझने के लिए कि किसी की बात पर में किसी के ऋणी न बनो, इस वाक्यांश को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है, ध्यान सुनिए, आप अपने जीवन के अनुभवों को वचन के आधार पर समझते, न कि वचन को अपने अनुभव के आधार पर। बाइबल समझने के सिद्धांत को लोग बहुत ही तोड़ते हैं जब वे वचन को अपने व्यक्तिगत अनुभव की रोशनी में
समझने की कोशिश करते हैं अपने व्यक्तिगत अनुभव या व्यक्तिगत पसंद नापसंद। और इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है रोमियो 13:8, किसी बात में किसी के ऋणी ना बनो। अब आप यह पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में आता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड पर हजारों लाखों की धन राशि बकाया है और जल्दी जल्दी मुझे चुका देना चाहिए उसे और क्रेडिट कार्ड को काट कर फेंक देना चाहिए क्योंकि मुझे क्रेडिट कार्ड संभलता नहीं है। यह मेरे लिए प्रलोभन का कारण बन रहा है जिससे मुझे आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए यह इस वचन का परमेश्वर को सम्मान करता हुआ एक अच्छा व्यक्तिगत उपयोग है। पर अगर आप इस आयात के आधार पर यह सिखाना शुरू कर दो कि हर एक यीशु विश्वासी को क्रेडिट कार्ड नहीं रखना चाहिए, यह पाप है, तो यह गलत है। कई लोग जो क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करते हैं बिना कर्जे में डूबे बुद्धिमानी के साथ, हर महीने वो अपना बकाया जो भी धनराशि है तो दे देते हैं वो। अरे जब यह आयातें लिखी गई थी तब तो क्रेडिट कार्ड थे भी नहीं ना। देखिए बाइबल हमें आत्मिक सच्चाई बताती है और हमें खुद उसे पवित्र आत्मा की मदद से जीवन में व्यवहारिक तरह से लागू करना होता है। अगर कहा जाए कि इस आयात ने मुझे जीवन में कुछ कठिन बदलाव करने की प्रेरणा दी, जैसा कि क्रेडिट कार्ड को काट के फेंक देना, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पर अगर आप कहते हो कि इस आयात का उल्लेख करते हुए बाइबल आपको क्रेडिट कार्ड रखने से मना करती है, तो आप परमेश्वर के वचन को ठीक से काम में नहीं लगा रहे। बाइबल में आयतों का आपके लिए एक व्यक्तिगत मतलब हो सकता है। पवित्र आत्मा अनेक बार वचन के माध्यम से ऐसे मार्गदर्शन देता है, कई बार देता है बहुत, पर आप उस व्यक्तिगत अनुभव को नियम बनाकर दूसरों पर लाद नहीं सकते। आपका व्यक्तिगत अनुभव बाइबल नहीं है, बाइबल परमेश्वर का वचन है, उससे आप अपने अनुभवों को समझते। अब जब हमने बाइबल को समझने की इन सिद्धांतों को देखा, मैं एक मिनट प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन को समझें। यह आसान सिद्धांत है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को समझें। रोमियो में ही हमने कई कठिन अंशों को देखा, बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी समझ नहीं आता, और जब यीशु से मिलूंगा तब उससे पूछूंगा, लंबी लिस्ट है मेरे पास, पर 90% 99% वचन में ऐसा है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं और आज काम में लगा सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके वचन को जटिल बनाएं, वह चाहता है हम उसे समझें और जीवन में काम में लगाएं। इसी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता, बाइबल के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद कि तूने पौलुस जैसे लोगों के को प्रेरणा के माध्यम से अपना वचन दिया कि हम तेरे को जान पाए, तेरी योजना को समझ पाए। अधिकतर हम समझ जाते हैं, पर कुछ है जिसे हम नहीं समझ पाते, बहुत कठिनाई होती है, हमें सोचना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। वैसे यह तो समझ में आता है कि तेरा वचन चिंता करने लायक है, उस पर मनन करना चाहिए। और कुछ ऐसे वचन भी हैं, कुछ ऐसे आयाते हैं जिसे शायद मैं इस धरती पर रहते हुए कभी भी पूरी तरह से समझ ना पाऊं। और प्रार्थना करता हूं कि हम उसका अपना कुछ भी मतलब ना निकाल लें, हमारी मदद कर अपने वचन की सच्चाई को समझने में, मदद कर हमारी कि हम झूठी शिक्षाओं से हम दूर रहें, हम तेरे वचन को समझें और इसे काम में लगाएं, इसे खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम रोमियो 13:8 का समापन करेंगे 11 से 14 आयात के साथ। कल तक के लिए अनुमति दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।